आज के समय में समाज का हर एक तबका अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास कर रहा है। वही आज कुशवाहा समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन कुशवाहा अधिकार आंदोलन समिति द्वारा शनिवार को सिवान शहर के लक्ष्मीपुर में नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि समिति के संयोजक रवि कुशवाहा ने बताया कि इस कार्यालय में 24 घंटे रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जो एक सराहनीय कदम है। देखिए और क्या कुछ कहा रवि कुशवाहा ने। आपके संगठन के कार्यालय का उद्घाटन आज हम लोगों ने कुशवाहा अधिकार आंदोलन समिति के सिवान जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है पूरे कुशवाहा समाज के द्वारा। और ये जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर कुशवाहा समाज की हर महीना बैठक होगी। कुशवाहा समाज की जो मांग के लेके जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को और तेज धार हम लोग देने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुशवाहा समाज के हजारों लोग आज यहाँ इस उद्घाटन कार्यालय में उपस्थित हैं और हम लोग इस जिला कार्यालय में कुशवाहा समाज के तमाम लोगों के लिए रहने खाने बैठने रात दिन कभी भी हर तरह की व्यवस्था संगठन की तरफ से रहेगी। आगे जल्दी फिर आप लोगों को हम लोग बुलाएंगे और आगे अब संगठन के माध्यम से हम लोग राजनीति जितने भी चुनाव आ रही है उसमें हम संगठन का पूरा सहभागिता होगा। और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से कुशवाहा समाज के जो मांग हम लोग मांग रहे हैं, इस पर कोई नेता कोई विधायक कोई एमपी कुछ नहीं बोल रहा है, वोट ले रहा है, लेकिन अब आने वाले हर चुनाव में कुशवाहा समाज अहम भूमिका हम लोग एकदम निभाने का काम करेंगे। नहीं, उसमें हम लोग एकदम शांत नहीं रहने वाले हैं, एकदम हम लोग शांत नहीं रहेंगे। विधानसभा जो भी चुनाव होगा उसमें एकदम हम लोग, अगर ये मांग नहीं मिलता है तो इस सरकार का पुरजोर हम लोग विरोध करने का एकदम काम करेंगे और संगठन के तरफ से प्रत्याशी को भी हर विधानसभा में लड़वाने का हम लोग काम करेंगे। क्या अपील करेंगे अभी? अभी मैं अपील करना चाहता हूँ, तमाम नेताओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो संगठन के माध्यम से जो हम लोग मांग रहे हैं, अभी जदयू की नई सांसद बनी है, कुशवाहा समाज ने लगभग 90% उनको वोट देकर जिताने का काम किया है। तो मैं उनसे ये मांग करना चाहता हूँ कि जो हम लोग मांग रहे हैं, जो हम लोग आंदोलन किए हैं, जो केस हम लोग पर हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उनके द्वारा केस खत्म कराया जाए, क्योंकि कुशवाहा समाज ने 90% उनको वोट देने का काम किया है। और कुशवाहा समाज इसलिए उनको वोट दिया है कि हम लोग संगठन की तरफ से कहीं भी एक शब्द भी उनका विरोध हम लोग नहीं किए थे, जबकि इस सरकार ने कुशवाहा समाज के 88 लोगों को मारा पीटा गया, जेल भी भेजा गया, फिर भी संगठन की तरफ से हम लोग 1% भी विरोध नहीं किए हैं। लेकिन जीतने के बाद एक महीना हो गया है, मैं चाहूँगा कि अब वो कुशवाहा समाज के विषय में बारे बोले और जो हम लोग मांग रहे हैं उन पर खुलकर वो लोग अपना विचार मीडिया में रखें, ताकि हम लोग आगे चल के हमारे समाज का विकास हो। क्या आप आगे पार्टी बनाने वाले हैं या निर्दलीय चुनाव मैदान? नहीं, कोई हम लोग पार्टी नहीं बनाने वाले हैं और आगे का जो भी होगा सब कुशवाहा समाज के लोगों को बैठक बुला के विचार विमर्श करके आगे का हम लोग अपना जो भी रणनीति होगा आगे आप लोगों को बताने का काम करेंगे।